आज शिक्षक दिवस है और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको पढ़कर बहुत सारे लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो बने ही लेकिन साथ में शिक्षक भी बने हैं। जी हाँ, हमारे साथ कई शिक्षकों के शिक्षक और भारत के सबसे मशहूर शिक्षक SC वर्मा सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही है कि शिक्षक दिवस है आज, तो जो शिक्षक हैं उन्हें आप शिक्षक को कैसे देखते हैं, आपके लिए शिक्षक का क्या वैल्यू है? मेरे लिए तो शिक्षक का वैल्यू शुरू से ही बहुत ज़्यादा था, तभी तो मैंने तय किया था कि मैं शिक्षक बनूंगा और वो वैल्यू अभी भी वैसा ही है। आपके सबसे फेवरेट शिक्षक कौन? स्कूल के समय में मेरे रसायन शास्त्र के जो शिक्षक थे, नीलांशु मल्लिक जी नाम था उनका। फिर मैं जब कॉलेज पे आया, साइंस कॉलेज पे आया, तो वहाँ पर मेरे बहुत सारे शिक्षक थे जो कि बहुत ही एक से बढ़कर के एक थे। शौकीन सिंह करके फिजिक्स के शिक्षक थे वो। फिर मैं IIT कानपुर में आया तो वहाँ पर भी मुझे बहुत एक से बढ़कर के एक शिक्षक मिले। GK मेहता जी मिले, हमारे ज्ञान मोहन जी मिले, सब। एक शिक्षक के तौर पर आपका एक लंबा अनुभव रहा है और इस पूरे अनुभव के समय आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखे होंगे, तो क्या लगता है बीते कई दशकों में स्टूडेंट्स में क्या बदलाव आया है? बदलाव तो हैं लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स से ज़्यादा पेरेंट्स में बदलाव है, और स्टूडेंट्स में जो बदलाव है उस कारण से है क्योंकि पहले जॉब सिक्योरिटी, फ्यूचर का डर, सिक्योर नहीं होगा मेरा फ्यूचर, क्या होगा, इसकी इतनी चिंता नहीं होती थी। थोड़ा लोग हरफन मौला रहा करते थे, तो विद्यार्थियों का भी जो दिमाग रहता था वो बड़ा आनंदमय रहता था, तो वैसे में पढ़ाई अच्छी होती है। और अभी जो एक बैकग्राउंड में एक भूत घूमता रहता है कि ये नहीं होगा तो मेरे जीवन का क्या होगा, वो नहीं होगा तो मेरे जीवन का क्या होगा, उसके कारण से लोग उतना फ्री थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। और क्या यही कारण है कि आज के टाइम में इनोवेशन बहुत कम हो रहा है? मतलब एक आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य दिया, एक प्रोफेसर SC वर्मा है जिन्होंने बात को इतना कुछ दिया, लेकिन अब कोई आर्यभट्ट को, दूसरे SC वर्मा को इनोवेशन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कमी है इस चीज़ में। ठीक है, आर्यभट्ट का तो नाम आपने अच्छा लिया और लेकिन SC वर्मा जैसे तो बहुत हैं और SC वर्मा से बढ़कर के भी बहुत हैं भारतवर्ष के अंदर में। हमारी भूमि जो है वो बंजर नहीं है, बहुत उर्वरा भूमि है वो। लेकिन हाँ, इनोवेशंस की जो बात आप कह रहे हो ना, तो इनोवेशंस में क्या होता है कि वो एक संस्कार होता है। इनोवेशंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप वो बिल्कुल CV रमन की तरह वही करके लेकर के आओ कुछ, या रामानुजन की तरह करके लाए। इनोवेशन तो इस चीज़ में भी है कि हमारे कमरे के अंदर जहाँ कुर्सी रखी है, जहाँ टेबल रखी है, उसकी रचना कैसी है, वो भी इनोवेशन है। मैं अगर दूध पी रहा हूँ तो वो दूध का गिलास मैंने कहाँ रखा है, कैसे रखा है, क्या किया है, कैसे पकड़ा है, उसमें भी इनोवेशन्स आप ढूंढ सकते हैं। तो वो एक आदत में होना चाहिए इनोवेशन्स, लेकिन वो आदत में होगा तब जब हम उसको इन्जॉय करेंगे। स्कूल का भी बोझ है, बस्ता बहुत भारी है, छोटे बच्चों का भी बस्ता बहुत भारी है, तो इन्जॉय करने का, एजुकेशन को, एकेडमिक्स को इन्जॉय करने का जो एक मौका है वो हमने छीन रखा है। सब है कि सफलता नंबरों से नहीं मिलती, सफलता बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलती, सफलता मिलती है कि मैं कितना सोच पाता हूँ अपने दिमाग से, इसको हम लोग भूल जा रहे हैं, इसीलिए इनोवेशंस नहीं हो रहे। तो इस शिक्षक दिवस पर आप जो नए शिक्षक बनेंगे या जो आपके साथी शिक्षक हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अब ऐसा है कि अगर उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के अंदर में अपने सब्जेक्ट को एंजॉय किया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको कोई संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना संदेश खुद से पढ़ लेंगे। लेकिन अगर उनको भी इस प्रकार का एंजॉयमेंट नहीं मिला है पढ़ाई का, और उन्होंने भी रुखे सूखे ढंग से और एक अच्छी जॉब मिले इसलिए पढ़ाई की है, या अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएं इसलिए पढ़ाई की है, तो हाँ, उनको थोड़ा अब रीस्टार्ट करना होगा। अब अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले एंजॉय करें। मैं सुना प्रोफेसर SC वर्मा को जिन्होंने कहा कि विद्यार्थी हों या शिक्षक, अपने सब्जेक्ट को इंजॉय करें, पढ़ाई को इंजॉय करें, उसे सिर्फ एक काम की तरह ना लें, तो उससे आप ज़िंदगी में और बेहतर कर सकते हैं। न्यूटन लोकल की तरफ से भी सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।